हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस। आज के वीडियो में हम मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लेके आए हैं, जिसका एक समरी हम लोग समराइज करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। ओके, और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समरी देखा था, फॉर्मूला का। आज हम एपी का देखते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला फॉर्मूला है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एपी क्या होता है। एपी का फुल फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। एपी बेसिकली एक सीक्वेंस होता है जो कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्म देखते हैं। फॉर्म है इसका ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी होता है, मतलब एपी का पहला टर्म। और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब कि एक टर्म और दूसरे टर्म के बीच में कितना डिफरेंस है, वो हमारा डी होगा। और ये अगर सेम होता है हर एक टर्म के बीच में, तो ये हमारा एपी हो जाता है। ठीक है, और सेम अगर नहीं होता है तो एपी नहीं होता है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, 1, 4, 7, 10 इज एन एपी। तो इसमें पहला टर्म है 1, दूसरा टर्म है 4, तीसरा टर्म है 7। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। ये चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने के लिए आइए हम लोग दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, जो कि है कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका। तो हमारे पास एक एपी है 1, 4, 7, 10। तो यहाँ पे ए वन है 1, मतलब पहला टर्म 1, दूसरा टर्म 4, तीसरा टर्म 7, चौथा टर्म 10। तो हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए दूसरा टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आएगा, या फिर तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म। कहने का मतलब कि उसके अगले वाले टर्म में से अगर पिछले वाले टर्म को माइनस करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। और ये कॉमन डिफरेंस अगर 2, 3, 4, 5 सबके लिए सेम है, तो फिर ये हमारा एपी में होगा। ओके, तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, अगला टर्म ए टू माइनस पिछला टर्म ए वन। राइट, नाउ कमिंग टू फॉर्मूला नंबर 3, एनएथ टर्म ऑफ एन एपी। मतलब एपी में क्या होता है कि एनएथ टर्म का मतलब ये होता है कि जैसे हमको कोई एपी का 10वां टर्म निकालना है, तो 10th टर्म इसका एनएथ टर्म हो गया। ठीक है, और एक होता है आपका नंबर ऑफ टर्म, मतलब उस एपी में कुछ कोई एपी अगर हमारे पास है तो उसमें कोई नंबर रहेगा, कुछ नंबर, मतलब या 10 उसमें टर्म रहेंगे या 20 टर्म रहेंगे। तो अगर उसमें 10 टर्म है तो वो नंबर ऑफ टर्म हो गया, एन हो गया। और अगर उस 10 टर्म में से अगर 5वां टर्म निकालना है तो वो हमारा एनएथ टर्म हो गया, मतलब 5th टर्म हो गया। ठीक है, तो एनएथ टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, इसको टीएन से भी डिनोट करते हैं और एएन से भी डिनोट करते हैं। तो एएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी, जहां पे एएन क्या होता है, एनएथ टर्म। मतलब अगर 20 टर्म का एपी है तो हमको अगर 10वां टर्म निकालना है तो एनएथ टर्म हो गया 10th टर्म। ओके, ए हमारा होगा फर्स्ट टर्म जो कि पहला टर्म होगा, एन होगा नंबर ऑफ टर्म, मतलब उस एपी में अगर 20 टर्म नंबर है। ठीक है, तो अगर हमें 5वां निकालना है तो एन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और डी इज इक्वल टू हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। नाउ कमिंग टू फॉर्मूला नंबर 4, एनएथ टर्म फ्रॉम इनडेफिनिट एपी। अगर हमको कोई भी एनएथ टर्म निकालना है, लेकिन हम लोग जनरली करते क्या है कि एपी के आगे से स्टार्ट करते हैं। अगर हमें पीछे से निकालना है उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे एल क्या होगा, एल होगा लास्ट टर्म, ए एन होगा एनएथ टर्म फ्रॉम इंड ऑफ एन एपी, एन होगा नंबर ऑफ टर्म्स, डी होगा कॉमन डिफरेंस। तो अगर हमें लास्ट से निकालना है तो कुछ नहीं, ए के जगह एल रख देंगे और प्लस के जगह माइनस कर देंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू फॉर्मूला नंबर 5, अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सम निकालना है। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब बहुत सारे हमारे पास टर्म्स हैं, उस टर्म्स को जोड़ के कितना आएगा, तो वो निकालने का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू, एस एन का मतलब हुआ सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे एन हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है, ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है। ओके, नाउ कमिंग टू फॉर्मूला नंबर 6, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इफ लास्ट टर्म इज गिवन। तो पिछले वाले फॉर्मूला में लास्ट टर्म नहीं गिवन था, उसमें आपका 5-6 टर्म था और डॉट 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 सीरीज टाइप का था। इसमें क्या है, अगर आपका लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म गिवन रहे तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सम निकालने का, उसमें होगा एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एल, जहाँ पे ए होगा आपका फर्स्ट टर्म, एल होगा लास्ट टर्म और एन होगा नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो आप डायरेक्ट उस एपी का सम निकाल सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है लास्ट टर्म नहीं पता है तो इसके पिछले वाले फॉर्मूला से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू फॉर्मूला नंबर 7, सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर। मतलब कुछ पॉजिटिव इंटीजर हैं जो कि एन नंबर तक है, मतलब एन कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है।
तो उसका हमको सम निकालना है, या फिर 100 भी हो सकता है, जैसे 1 से 100 तक का सीरीज का हमें सम निकालना है, तो उसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे, SN इज इक्वल टू एन बाई टू एन प्लस वन, जहाँ पे एन हमारा होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, नाउ कमिंग टू फॉर्मूला नंबर 8, अरिथमेटिक मीन। अब मीन क्या होता है, देखिए तो अगर हमारे पास तीन टर्म्स हैं एपी के, ए बी और सी, और तीनों एपी में है, ठीक है, तो देन क्या होता है, बी इज इक्वल टू, मतलब मिडिल टर्म इज इक्वल टू ए प्लस सी बाय टू, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म बाय टू, तो वहां पे हमारा बी क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। ओके, तो अब जैसे हमारा नेचुरल नंबर है, तो वो भी हमारा क्या है, एपी में, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो वो भी एक पर्टिकुलर सीरीज को फॉलो कर रहा है, और उसके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, 1, तो नेचुरल नंबर इज ऑल्सो एन एपी। ऑड नंबर है, ऑड नंबर में क्या क्या होगा, जैसे 1, 3, 5, 7, तो ये भी एक सिक्वेंस में है, तो ये भी हमारा नेचुरल नंबर होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और अगले वीडियोज में फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के फॉर्मूला का समरी देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।